भी अपने घर में खड़े हो जाए। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए, सारी जमाई मिलकर गए। हजूरी के अंदर झुक कर शुक्रगुजारी करता हूं आज की खूबसूरत मुबारक बली और फतेहमंद शाम के लिए। खुदा खुदा जो तूने हम सब की जिंदगी के अंदर बख्श दी, खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े काम के लिए। खुदा खुदा जिसको खुदा खुदा तेरे नाम से शुरू किया गया है, अब आप शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे इंतजाम के लिए। खुदा खुदा शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे लोगों के लिए। खुदा खुदा शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा इस जगह के लिए। खुदा खुदा शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे उन लोगों के लिए जो तेरी पाक हजूरी में आ चुके हैं। ऐ पाक खुदा, तू कुदरत वाला खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू असीम खुदा है, तू महीम खुदा है, तू अकेला बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदा खुदा आज की शाम के लिए खुदा खुदा ऐ बाप जितने लोग तेरी पाक हजूरी के अंदर आ चुके हैं, ऐ बाप इन सबको ले ले खुदा बाप, सबको ले ले खुदा बाप, सबको ले ले खुदा बाप, शुक्रगुजारी का मुकाशवा दे खुदा बाप और सारे तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा खुदा तेरी वडियाई करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम की जलाली और कुदरत वाली पाक हजूरी को इस पंडाल के ऊपर मांग लेते हैं। खुदा खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम की जलाली पाक हजूरी कुदरत के साथ जारी हो खुदा बाप, और आज शाम यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम के वसीला से जलाली और बड़े बड़े काम हो। खुदा खुदा यीशु मसीह के नाम के मसा को इस जगह पर क्लेम करता हूँ। ऐ बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के लहू के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, उस अजीम कुर्बानी के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ जो तेरे बेटे यीशु मसीह ने दी और हमें इस लायक बनाया कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके, हम तेरी सिताइश कर सके, हम तेरी वडियाई कर सके, हम तेरे पाक नाम को जलाल दे सके। इन फिजाओं के अंदर, इस सारे माहौल के ऊपर, एक एक जिंदगी के ऊपर तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के लहू को मांगता हूँ। खुदा खुदा पकीज़गी के सबब से बड़े बड़े काम हूँ। खुदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बर्रे के लहू को कुवैर के ऊपर मांगता हूँ, बर्रे के लहू को सरजिंदों के ऊपर मांगता हूँ, बर्रे के लहू को खुदा खुदा आज के जितने भी कलाम सुनाने वाली जिंदगियां हैं उन सब की जिंदगियों के ऊपर मांगता हूँ। खुदा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ए बाप तेरे रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं है, ए खुदा तेरे रूह के बगैर हम कुछ नहीं है। खुदा बाप तेरे रूह की मामूरी, तेरे रूह की प्रेजेंट इस जगह पर चाहता हूँ। खुदा खुदा रूहुल कुदस के मसा को चाहता हूँ। खुदा खुदा क्वायर जब प्रस्तुत करे, क्वायर के जब साथ मिलकर लोग प्रस्तुत करे तो तेरे बेटे यीशु मसीह के मुंह का वो कलाम पूरा हो कि मेरा बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं। ए बाप रूह और सच्चाई की प्रस्तुत के सबब से जुए टूटे, बंधन खुले, कैदी आजाद हो, गुनाहों का जोर टूटे, गुनहगार नजात पाए,
और तेरी बादशाहत जिंदगियों के अंदर कायम हो। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी डिस्टर्ब करने वाली कुतों को, लानतों को, तस्वीरों को, यीशु मसीह के नाम, लहू और पाक रूह की सुपर नेचर पावर के वसीला से भागते हैं। सारे हिस्सा में हमारे साथ होना यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो, हालेलुया। आगे बढ़ेगा प्रोसेस में क्वार के साथ मिलकर। ओ जीसस, हालेलुया। जो मुझे ताकत बख्शा है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यीशु के नाम से, पाक रूह की कुदरत से। तालियों के साथ खुदा की प्रशंसा करें, खुदा की हुजूरी में खुशी से उसकी इबादत करें। हालेलुया। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है, ओ देना। मेरा प्यार है ओ देना, लो जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, लो जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आवे ऊपरों हाथ बजा के मैनू रब बचावेगा, आवे ऊपरों हाथ बजा के मैनू रब बचावेगा। ओहोटोगे पानी बेचों मैनू खेच लावेगा, आते उपरों हाथ बना के मैनू रब बचावेगा। ओ सो मेरा है, दुश्मन छिन्ना बैर बताया है, मेरे भारे धोती दुश्मन छिन्ना बैर बताया है। ओ न कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है, ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मैं बुजुर्ग माँ जी को बुलाऊंगा, सर साइमन साहब को, सालम साहब को, जैन आएंगे आज की ओपनिंग सेरेमनी करेंगे, रिबन काटेंगे, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां खुदावंत के जलाल के लिए। इस कन्वेंशन की ओपनिंग सेरेमनी की जा रही है आपकी भरपूर तालियों में, तालियां जोरदार होनी चाहिए, तालियां बड़ी ढीली ढीली हैं, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली, हालेलुया। आप प्लीज इधर ही ठहर रहिएगा, वक्त जाया किए बगैर मैं दावत दूंगा। आंटी लुविजा आंटी जी को बुके पेश करेंगी पीजे कलीसिया की तरफ से, जोरदार तालियों के साथ आंटी लुविजा फूलों का खूबसूरत बुके आंटी जी को पेश करेंगी। जल्दी से खुदा की हुजूरी में तालियां बजती रहनी चाहिए खुदा के जलाल के लिए। पीजे कलीसिया की तरफ से फूलों का खूबसूरत बुके आंटी लुविजा आंटी जी को दे रहे हैं। प्रेज गॉड। उनके गले में खूबसूरत माला पहनाने के लिए बाजी समीना आएगी, बाजी समीना से दरख्वास्त है एक खूबसूरत माला माँ जी के गले में डालें। आपकी भरपूर तालियों में बिशप साहब की रोया यही थी कि
कि अंजील का काम चलता रहे, हर घर कलीसिया बन जाए और उस रोया को ये घराना लेकर चल रहा है और हम सब इस रोया में शामिल है, हिस्सा है और खुदावंत के नाम को जलाल देने के लिए हम बढ़ते जाएंगे। तालियां जोरदार, हालेलुया। मिसेस यासीन से दरख्वास्त है, वो भी एक माला पहनाएगी माँ जी के गले में। प्रेज गॉड, हालेलुया। पीजे के सीनियर वाइस चेयरमैन सर डब्ल्यू जॉन साहब के गले में हाथ डालने के लिए पीजे कलीसिया की तरफ से अंकर शीद जोरदार तालियों में आएंगे। सर साइमन साहब के गले में हाथ डालेंगे, ये उनकी मोहब्बत का इजहार है। पीजे कलीसिया की तरफ से और पीजे की सारी टीम की तरफ से जोरदार तालियों में, हालेलुया। इस तरह खूबसूरत फूलों की माला मैं खुद पहनाऊंगा, बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ। एक और माला भाई यासीन साहब पहनाएंगे जोरदार तालियों में। भाई शबाज के हाथ में खूबसूरत हार नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है पास्टर सालम साहब को डालना चाहते हैं। पास्टर सालम साहब से सब बड़ी मोहब्बत करते हैं, आए जोरदार तालियों में। तालियां जोरदार होनी चाहिए। एक खूबसूरत माला भाई अनिल के हाथ में नजर आ रही है, वो भी सालम साहब को डालना चाहते हैं जोरदार तालियों में। खुदा के खुदाम दो चंद इज्जत के लायक होते हैं, भरपूर तालियों के साथ भाई अनिल फिलिप्स। भाई अफसल साहब, पास्टर अफसल के लिए भी जोरदार तालियां, आए पास्टर सालम साहब के गले में खूबसूरत माला डालेंगे। प्रेज गॉड, जोरदार तालियों के साथ। एक खूबसूरत टीम है पीजे की और भी बहुत सारे खुदा खादम बैठे हुए यहाँ पर। जैन साहब को डॉक्टर सरोज नदीम जोरदार तालियों में, नौजवानों को जैन साहब के गले में, जैन साहब कहा जी प्रेज गॉड। डॉक्टर सरोज नदीम जैन साहब के गले में हार बना रहे हैं, आपने उल्टा बना दिया, सीधा बना दे, हालेलुया, अच्छे से हालेलुया, ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। प्रेज गॉड, डॉक्टर साहब सीधा बनाए जरा, हालेलुया, प्रेज गॉड, जोरदार तालियों में। नौजवान शहरी साहब ये भी डॉक्टर साहब है जी हमारे, हालेलुया, जोरदार तालियां, प्रेज गॉड, हालेलुया। अनिल कादर हमारे क्वायर लीडर साहब, अनिल कादर साहब क्वायर लीडर पीछे की कलीसिया के क्वायर लीडर, अनिल कादर साहब कहां चले गए? चलो सुनील कादर तो है ना, जल्दी भागे भाई, बड़े लीडर को आगे आना चाहिए, लीडर पीछे जा रहा है। लीडर हमेशा आगे होते हैं, जल्दी से आए। जैन साहब के गले में खूबसूरत माला डालेंगे। भाई नसीम माड़ा साहब भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं, वो सैमन साहब के गले में खूबसूरत माला डालना चाह रहे, जोरदार तालियों में। तालियां बड़ी ढीली है, कंजूसी करना छोड़ दे, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, हालेलुया। विशव वकास साहब के गले में भी खूबसूरत माला डालने के लिए पास्टर सुनील कादर आएंगे, जोरदार तालियों में। हम विशव साहब को वेलकम करते हैं, आप लीजिए के प्लेटफॉर्म पर आए हैं, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हैं। और भी जितने खुदा के खादम यहाँ पर आए हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जी, थैंक यू सर जी। विशव साहब कुछ कहना चाहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत अजीम कादर नाम में आज सबको की सलामती चाहता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी प्यारी बहन, अपनी बुजुर्गा खुदा की खादमा मिसेज तकदस बाब बिशप जॉनसन साहब। उनके बाद उन्होंने ये पूरा एक बेड़ा उठाया है, उनके साथ साथ तकदस मां बिशप डब्ल्यू जॉनसन साहब, खुदा के खादम अजीम खादम पास्टर सैलम डब्ल्यू जॉनसन साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि पीजीए और वन इन क्राइस्ट को दो प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है। हम सब यीशु मसीह में एक खानदान है, जैसा कि ऐलान किया गया कि हर माह कन्वेंशन हुआ करेगी, तो हर माह वन इन क्राइस्ट की जहां जहां भी कलीसियाएं हैं वो भरपूर माहाना कन्वेंशन में शमूलियत इख्तियार किया करेगी। और इस पंडाल के बारे में मैं बता दूं कि मैं उस वक्त बिल्कुल लड़कपन में था और बड़ा शौक होता था इस कन्वेंशन में सेमिनार में यहाँ पर पहुंचा जाए। और उस वक्त पाकिस्तान में ऑर्केस्ट्रा का कोई इतना नाम नहीं होता था, वाहद पहला ऑर्केस्ट्रा इस पीजीए चर्च में यहां मौजूद था। यहां पर बड़ी खूबसूरत क्वायर यहां पर मौजूद थी और जॉनसन सैमन डब्ल्यू जॉनसन साहब का वो बजाना, वो अंदाज, और इतने प्यारे लंबे लंबे बाल होते थे, बड़े खूबसूरत लगते थे। इसी तरह भाई सालम की जो खिदमत थी बड़ी जबरदस्त खिदमत थी। जिस तरह हमारे तकद्दस बाप बिशप विलियम डब्ल्यू जॉनसन साहब की जो रोया थी, वियन थी, खुदा का शुक्र है कि उनका पूरा खानदान इस खिदमत में पेश है। आज पूरे पाकिस्तान में कराची चले जाएं, कोटा चले जाएं, पिंडी चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, वहां पर आपको पीजीए का खानदान लाजमी मिलेगा। ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। और एक और जो ऐलान है, एक बड़ी ब्लेसिंग खुदा ने दी है कि पाकिस्तान में जो एवेंजेलिकल चर्चेस हैं उसका भी हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, कौमी कमीशन एवेंजेलिकल चर्चेस पाकिस्तान, जिसके पैटर्नल चीफ हमारे तकद्दस बाप बिशप सैमन डब्ल्यू जॉनसन साहब हैं। और उनकी ये सारी खिदमत जो वो करते रहे और अब आगे मजीद करेंगे, अब बोझ बल्कि ज्यादा डबल जो विलियम जॉनसन पर बोझ था वो आज इनके कंधों पर आ गया है, भाई सालम के कंधों पर आ गया है। और पहला ये कदम उन्होंने जो उठाया है कि आज से देखें 20 साल पीछे जाएं, 25 साल जो यहां पर पंडाल लगता था, आज उन्होंने दोबारा वो पंडाल जो है शुरू कर दिया है। और मेरा ईमान है कि ये नहीं कि सिर्फ पीजीए के खादम और कलीसिया मौजूद है, यहां पर बहुत सारी कलीसियाएं आज आई हुई हैं, इतना प्यार करती हैं इनसे जैसा कि हम भी प्यार करते हैं। और उस प्यार के वजह हमने जो है अपने हमारी जो कौमी कमीशन है एवेंजेलिकल चर्चेस उसकी तरफ से हम अपनी तरफ से पेश करते हैं भाई बिशप डब्ल्यू जॉनसन साहब को। साइमन डब्ल्यू जॉनसन किसी तारफ के मोहताज नहीं है, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, बच्चे बूढ़े जवान सभी जानते हैं कि साइमन डब्ल्यू जॉनसन का क्या कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर विलियम जॉनसन ने क्या कुछ किया है। आज जो कुछ हमें नजर आ रहा है ये डॉक्टर विलियम जॉनसन और उनकी शरीक हयात, जिन्हें मैं कहा करता हूँ कि मदर ऑफ पीजीए हैं, ये इन्हें हमें पीजीए की माँ कहना चाहिए, बहुत कुछ किया। हम जब भी डॉक्टर विलियम जॉनसन का नाम लेते हैं तो हमें उनकी शरीक हयात का तो जरूर लेने चाहिए, क्योंकि अगर हमेशा अगर किसी खातून का हाथ पीछे ना हो तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि हर मर्द के पीछे, कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, और ये आज आपके सामने है मदर ऑफ पीजीए, इनके लिए भरपूर तालियां बजाइए। और ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड जो है ये आम अवार्ड नहीं है, ये एक्सीलेंस अवार्ड है, ये डॉक्टर विलियम जॉनसन का जो है उनका अवार्ड है, उनकी खिदमात जो है उन्होंने की हुई है उसका ये अवार्ड है। तो सबसे पहला जो अवार्ड है वो जाएगा जनाब साइमन डब्ल्यू जॉनसन साहब को, और मैं गुजारिश करूंगा बिशप साहब उनको पेश करें, मगर साथ साथ इनका भी हाथ लगवाएं क्योंकि इनका हाथ बहुत जरूरी है। बेटे आप आगे आ जाओ, आप आ जाए, आप भी आ जाओ। जब खुदा के हजूर आते हैं, हम सब किसके हजूर हैं? खुदा के। ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, हालेलुया।
अपनी बादशाही को, बादशाह भी अपनी बादशाही को भूल जाते हैं जब बुलाते हुजूर आते हैं, जब बुलाते हुजूर आते हैं। अपने यहोवा की प्रस्तुति में वो, अपने यहोवा की प्रस्तुति में वो झूम जाते हैं जब बुलाते हुजूर आते हैं, जब बुलाते हुजूर आते हैं। फिर से कहेंगे बादशाह, बादशाह भी अपनी बादशाही को, बादशाह भी अपनी बादशाही को भूल जाते हैं जब बुलाते हुजूर आते हैं, जब बुलाते हुजूर आते हैं। अपने यहोवा की प्रस्तुति में वो, अपने यहोवा की प्रस्तुति में वो झूम जाते हैं जब बुलाते हुजूर आते हैं, जब बुलाते हुजूर। मसीहा को दिल में बसाए, अपने मसीहा को दिल में बसाए, प्रस्तुति से उसका तख्ते सजाए, प्रस्तुति से उसका तख्ते सजाए। लाखों फरिश्ते भी उसके हुजूर, लाखों फरिश्ते भी उसके हुजूर झूम जाते हैं जब बुलाते हुजूर आते हैं, जब बुलाते बादशाह भी अपनी बादशाही को, बादशाह भी अपनी बादशाही को भूल जाते हैं जब बुलाते हुजूर आते हैं, जब बुलाते हुजूर आते हैं। अच्छा है कि आप रिपीट करें हमारे साथ, दोहराए इसको, दे फतहा की मिलकर सदाएं, मिट जाए जुल्मत की सारी गदाएं। फतहा की मिलकर सदाएं, दे फतहा की मिलकर सदाएं, मिट जाए जुल्मत की सारी गदाएं, मिट जाए जुल्मत की सारी गदाएं। मिल जाए राहे नजात जिसको, मिल जाए राहे नजात जिसको झूम जाते हैं जब बुलाते हुजूर आते हैं, जब बुलाते हुजूर आते हैं। बादशाह, बादशाह भी अपनी बादशाही को, बादशाह भी अपनी बादशाही को भूल जाते हैं तालियां बजाकर हुजूर आते हैं, जब बुलाते हुजूर आते हैं। अपने यहोवा की प्रस्तुति में वो, अपने यहोवा की प्रस्तुति में वो झूम जाते हैं जब बुलाते हुजूर आते हैं, जब बुलाते हुजूर आते हैं, जब बुलाते हुजूर। तालियां बजाते हुए जब बुलाते हुजूर सभी कहें, जब बुलाते, जब बुलाते हुजूर आते हैं, जब बुलाते हुजूर आते हैं। हालेलुया, जोरदार तालियां, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के अजीम और बाबरकत नाम है, आप सबको सलाम, आप सबको सलाम, हालेलुया। आप सब लोग खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी के पास्टर सालम मेरे साथ बजा रहे हैं कीबोर्ड, और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं किसने आज हमें मौका बख्शा कि आज हम उसकी परस्तिश करें। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग चंद लम्हों के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाए और आज खुदावन यीशु मसीह को कहें, पाक रूह को कहें कि आपकी रूह को छुए, आपके दिल के अंदर आए। प्रेज द लॉर्ड। यस जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ऑनर, वी गिव यू प्रेज, हालेलुया। यस जीसस,
दोनों की तरफ पलट गए और सो गए। ए पाखियो मेरी उड़न कुछ मेरी भूमि तेरी सी आरज़ू हालेलुया तुझसे
को बुलंद करके कहेंगे मेरी रूह को छू आपकी मेरे दिल की उठे करें तो ये माहौल जो है ये आसमानी माहौल बन जाएगा, क्योंकि आसमान के ऊपर भी यही ड्यूटी है कि हर कोई जो है खुदावन की प्रस्तुति करता है। आइए, अब बहुत से मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कहें यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में यीशु के लहू में नहाए पाप मिटाता है, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे वो ही बचाता है। ताली के साथ यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को
पुकारे वो ही बचाता है। यीशु के नाम से, यीशु के लहू से रेस्टोरेशन आए, बहाली आए आपकी जिंदगियों में। आप तरोताजा हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, आपके अंदर ताजगी आना शुरू हो जाए उसके लहू से, आपके अंदर शादमानी आना शुरू हो जाए उसके लहू से। शिफा आज रात आपकी हो यीशु के लहू में, यीशु के नाम से। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, कुवत दिलाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। हालेलुया, अपने हाथों को उठाइए और कहिए मेरे साथ, तू पाक है मुझ में है, मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तो मुझसे जुदा। तूने बेटा दे दिया, कहे तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। रूह को नाज़िल जो किया, नया दिल भी दे दिया। रूह को नाज़िल जो किया, नया दिल भी दे दिया। मेरा सब कुछ नया हो गया। मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। हालेलुया, हालेलुया। वेलकम कीजिए खुदा के पाक रूह को जोरदार तालियों में। कितने लोग आज खुश हैं, हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए। और मैं खुदावंद की हजूरी को कसरत से यहाँ महसूस कर रहा हूँ, खुदावंद का पाक रूह कसरत से यहाँ जुम्बश कर रहा है। और कितने लोगों ने क्वायर के वसीला से, प्रस्तुति के वसीला से बरकत पाई, हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आने वाले दिनों में भी जलाली काम करेगा, प्रस्तुति के वसीला से, कलाम के वसीला से खुदावंद बंधनों को खोलेगा, जुओं को खोलेगा, और यीशु का बेटा खुदावंद यीशु नाम जलाल पाएगा। आज की इस सारी खूबसूरत गैदरिंग के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की प्रस्तुति के लिए शुक्र अदा करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जब बिशप साहब का एक सेलिब्रेशन की सर्विस थी, तो जब वो कलाम दे रहे थे तो उसी के अंदर एक रूह की जुम्बश हर एक को छू रही थी। और उसी दिन हमने अनाउंस किया कि हम नेक्स्ट मंथ के अंदर हम कन्वेंशन रखेंगे। हालांकि ये बहुत शॉर्ट नोटिस था, अभी तक बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो अफसोस कर रहे हैं, सारा सारा दिन हमारा इसी तरह गुजर जाता है। फिर पीजीए के चर्चेस के अंदर हमारा विज़िट हुआ, लेकिन हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। बहुत ज़्यादा तैयारी का हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन आप देख रहे हैं ये पंडाल सारा खुदा उन्हें भर दिया है, हालेलुया।
और आने वाले दिनों के अंदर भी हमने इस बात को सोचा है, कितने लोग चाहते हैं कि हर महीने हम प्रस्तुत करें, हालेलुया। तो हमने बड़े ईमान से इस चीज़ का फैसला किया है कि ये वर्शिप और वाइवल कन्वेंशन हर महीने हुआ करेगी। अभी ये लास्ट सैटरडे है, खुल के तालियां बजाएं शुक्रगुजारी के लिए, हालेलुया। हम चाहेंगे इसी तरह पीजे क्वायर, प्रस्तार, खुदा के खादमीन प्रस्तुत भी करें और खुदा के कलाम की खिदमत को भी सर अंजाम दें। ये सैटरडे हमारा जो लास्ट था इस महीने का, अगले महीने अक्टूबर का है, वो 29th है, लेकिन हम उसको 29 नहीं करेंगे। हम हर महीने के पहले हफ्ता को, पहले सैटरडे को लेंगे और नेक्स्ट जो हमारी कन्वेंशन होगी वो नवंबर 5 तारीख को होगी। हफ्ते का दिन है, इसको नोट कर लें। अब हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पूरा एक महीना है कि हम तैयारी कर सकें, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप चर्चेज के विज़िट में था, पास्टर सालम साहब इधर लोकल चर्च इंतज़ामिया के साथ, हमारे जो दूसरे खादमीन हैं उनके साथ हम इंतज़ाम के हवाले से भी बिज़ी थे। कितने पीजीए के पास्टर्स हैं जो आज मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, मैं चाहूँगा कि ये अपनी जगह पर खड़े हो जाएँ। ਮੈਨੂੰ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਜੋ ਉਹੀ ਤੋ ਸ਼ਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਜੋ ਉਹੀ ਤੋ ਸ਼ਾਫੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਗਾਯੂਨ ਦੇ ਸੁਰ ਦੇ ਪੜੀ ਲਾ ਹਬਕੂਕ ਦੀ मेरे होंठों दा सकदा अपनी रूह दे नाल लरजा नाल लरजा। यीशु तेरे नाम जिया मिलके कहेंगे हाँ दुनिया ते नाम को बिना यीशु तेरे नाम जिया हाँ दुनिया ते नाम को बिना। जो लोग बेउम्मीद हैं, जिनके पास उम्मीद नहीं है, उनको आज खुदावंद उम्मीद देने को है। उनकी बीमारियों से खुदावंद उनको रिहाई देने को है। उनकी जिंदगियों में खुदावंद मौजज़ाती तौर पर काम करने को है। Praise Jesus. Oh yes, sekele re shetele re bebe. Praise sekele re chotele baba bara. Praise sekele re shikele re bebe. Oh yes, oh yes. Epak ruh tera shukr. Epak ruh tera shukr. Teri chumbash ke liye, teri presence ke liye. Ay khudaman hum tera shukr ada karte hain. Glory Jesus. मिलके कहेंगे यस प्रेज। इस जमाने विच जाहिर कर अपने कमानू कहर च रहम फरमा। मिलके कहेंगे इस जमाने विच जाहिर कर
अपने कमानू कहरिच रहम परमा मेरी जरूरतां दे बुत सारे पत्थर बेजान ने क्यों तू जो जिंदा है खुदा मैं शिगायूं दे सुर दे पढ़ना हबकूक दे दुआ तू मेरा जोर दे यकीन मेरा सबर आप बता आप बता यीशु तेरे नाम जिया दुनिया ते नाम कोई ना प्रेसिस पकड़ू तेरा शुक्र एक एक रूह जान बदन के लिए खुदा मुद्दा मैं तेरा शुक्र करती हूँ सारे खादमीन के लिए ऐ खुदावंद खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ एक एक रूह जान बदन को तेरी हिफाजत में रखती हूँ खुदावंद खुदा ऐ खुदावंद अपने आसमान को खोल दे अपनी बरकतों को उंडेल दे खुदावंद खुदा आज हम तेरे आगे सर नगू हैं हम तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू ही सच्चे तारीफ तमजीद और बुजुर्गी के लायक है दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं खुदा वो सुनते नहीं देखते नहीं चलते नहीं वो मौजज़े नहीं करते अरे खुदावंद यीशु मसीह तू तो जलाली है तू तो अजीम है ऐ खुदावंद हम तेरे आगे झुकते हैं तू हमारी दुआओं को सुनता है कबूल करता है मुजजात करता है हमारी जिंदगियों को और रूहों को ऐ खुदावंद खुदा तू बदलता है ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा यीशु नाम मेरी तू सुनता दुआ यीशु नाम मेरी तू सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ तेरी पितरा न शफकत मेरे साथ साथ तेरी पितरा न शफकत मेरे साथ साथ हम पे प्यार का सारा तेरा दिन और रात हम पे प्यार का सारा तेरा दिन और रात तू है मेरी जया तू है मेरी पना तू है मेरी जया तू है मेरी पना यीशु नाम मेरी तू सुनता दुआ यीशु नाम मेरी तू सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ तू न मुर्दा न मुर्दों का मुर्दा खुदा मुर्दा न मुर्दों का मुर्दा खुदा तू है जिंदा तो जिंदों का जिंदा खुदा तू है जिंदा तो जिंदों का जिंदा खुदा तू है अजली खुदा तू है अबदी खुदा तू है अजली खुदा
तू है अबदी खुदा के सुना में मेरी तू सुनता दुआ के सुना में मेरी तू सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ मुर्दा न मुर्दों का मुर्दा खुदा तू न मुर्दा न मुर्दों का मुर्दा खुदा तू है जिंदा तू जिंदों का जिंदा खुदा तू है जिंदा तू जिंदों का जिंदा खुदा तू है अजली खुदा तू है अबदी खुदा तू है अजली खुदा तू है अबदी खुदा सुनामे मेरी तू सुनता दुआ सुनामे मेरी तू सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ नसल दर नसल कहम करता सदा नसल दर नसल रहम करता सदा मेरे घर मेरी नस्लों पे तेरी निगाह मेरे घर मेरी नस्लों पे तेरी निगाह तेरे वादे वफा तेरा प्यार वफा तेरे वादे वफा तेरा प्यार वफा सुनावे मेरी तू सुनता दुआ सुनावे मेरी तू सुनता दुआ सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ सुनता दुआ मेरी सुनता दुआ अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा सुनावे मेरी तू सुनता दुआ सुनावे मेरी तू सुनता दुआ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जोरदार तालियों से खुदा के खादिम बिशप अंबाकुंज जयसर को वेलकम कर गए फ्रॉम कनाडा जोरदार तालियों से हालेलुया जोरदार तालियों से और उसी के साथ हम प्रोफेसर एल्फ्रेड यकूब साहब को जो उनके तर्जमान है आपकी भरपूर तालियों से जोरदार तालियां होनी चाहिए ओ जोरदार तालियां बजाए हालेलुया जोरदार तालियों से उनको वेलकम करें हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियां आपकी तालियां बहुत कम है जोरदार तालियां First of all, I want to thank the PGA convention. सबसे पहले मैं PGA convention इसकी सारी इंतजामिया का शुक्र अदा करना चाहता हूं. And I give all glory to God for late Bishop Dr. William Johnson was a legend for PGA convention in Pakistan. और मैं मरहूम डॉक्टर विलियम जॉनसन साहब जो कि एक लेजेंड खादम थे मैं उनके लिए खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी पेश करता हूं। In 1992 PGA convention I was a guest speaker almost 30 years now. 1992 में मैं PGA convention में एक मेहमान वाइज था और ये आज से कोई 30 साल पुरानी बात है। I know I still remember the miracle and the healings And salvation has taken place in that meeting. और मुझे अभी भी याद है कि उस इबादत में मौजज़ात, शिफाएं और निजात के काम वकूअ पज़ीर हुए. And I'm also recall my memories about Bishop Simon William and Reverend Salem Johnson, and they were had a wonderful music band. और मुझे अभी भी याद पड़ता है बिशप साइमन विलियम और फिर पास्टर रेवरेंड सालम विलियम इनका एक बड़ा खूबसूरत मौसीकी का प्रस्तुति का बैंड हुआ करता था एंड आई थैंक
the PGA convention leaders, especially Bishop Simon and Bishop Salem. So thank you for inviting me to your program. So Bishop Simon Saab aur Pastor Salem Saab, mujhe is convention mein daawat dene ke liye bahut bahut shukriya. And let me get into the message right now. So let me quick pray right. So, मुझे पैगाम की तरफ बढ़ना है, सो मैं जरा जल्दी से एक दुआ करूंगा. आए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें. Lord, I pray that hide me and Pastor Alfred in your presence to bring your word. खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि मुझे और पास्टर अल्फ्रेड को अपनी हजूरी में छुपा ले अपने कलाम की खातिर. And I pray that today the people may be blessed with your word. And touch them, Lord, in और Jesus मैं दुआ करता हूं कि यीशु के नाम में लोग आज तेरी आवाज को सुने और तेरे कलाम को अपनी गिरफ्त में ले लें. आमीन. आमीन. सब कहे आमीन. Now, 30 years back, when I was preaching in that convention in PGA, 30 साल कबल जब मैं PGA की उस कन्वेंशन में पैगाम सुना रहा था, there are people who get healed and also people were set free from the demonic problem. To log shifaye hasil kar rahe the aur badruhon ke masail se chhoot rahe the. There was a young boy, I mean it was a youth age, that he was living in a terrible bondage of sin that made him a bondage that he's not able to come out of it. एक नौजवान लड़का था जो अपनी नौजवानी की इब्तदा में था और वो गुनाह के एक बंधन गुलामी में जकड़ा हुआ था जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता था. He was not able to come out and he was totally trapped by the enemy with that sinful life. वो उससे बाहर नहीं निकल सकता था और उस गुनाह आलूदा जिंदगी में दुश्मन की गुलामी का शिकार था. And he was forced to bring by his friends and family to this PGA convention in 1992. और 1992 में PGA की इस कन्वेंशन में अपने खानदान और दोस्तों की मार्फत वो यहां पर लाया गया. But that day the miracle and the power of God touched him right in the middle of the people. लेकिन उस रोज इन लोगों के बीच में खुदा की हजूरी ने उसको छू लिया. While I was preaching, God is ministering to him. और जब मैं पैगाम सुना रहा था, खुदा उससे कलाम कर रहा था. And he was completely set free from that bondage. और वो उस बंधन में से कुली तौर पर मुकम्मल तौर पे आजाद हो गया. He felt in his life at that time he was good for nothing. और उस वक्त वो अपनी जिंदगी में ये सोचता था कि वो किसी काम का नहीं है. And he is useless for God's kingdom and his family. और वो खुदा की बादशाही और अपने खानदान के लिए बेकार है. And many people today, you may be feel like you are useless and good for nothing. आज भी बहुत से लोग यहां पर ऐसे होंगे जो समझते होंगे कि वो बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं. If you're going through that tonight, God wants to set you free. अगर आज आप इस तरह की सूरत हाल से दो चार हैं तो खुदा आज आपको आजाद करना चाहता है. The enemy doesn't want you to shine for the Lord. दुश्मन ये नहीं चाहता कि आप खुदा के लिए रोशन हो. Satan wants to trap you so that you can fall again and again into the same place and you feel like you're good for nothing. शैतान चाहता है कि वो आपको अपने फंदे में काबू में रखे और आप उसी तरह से महसूस करते रहें, उसी जगह पे रहें और ये महसूस करें कि आप किसी काम के नहीं हैं. You are trying your best to be out of this chain, out of this bondage. आप इस कैद से, आप इस बंधन से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं. But tonight is your night. Jesus can set you free. लेकिन आज की रात आपकी रात है,
खुदावन यीशु मसीह आपको आजादी दे सकता है। हालेलुया। And he can use you for his glory. और वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। If you have a Bible, turn with me to book of Isaiah chapter 7 verse 5 and 6. अगर बाइबल मुकद्दस आपके पास है उसे निकालिए, यशायाह का सहीफा सातवां बाब और उसकी पांचवी और छठी आयत देखेंगे। I'm going to quickly read verse 6 and then Pastor Atul will read in Urdu. Let us invade Judah. Let us tear it apart and divide it among ourselves and make the son of Tabeel king over it. छठी आयत पहले पढ़ी जाएगी कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें और उसे तंग करें और अपने लिए उसमें रखना पैदा करें और ताबील के बेटे को उसके दरमियान तख्त नशीन करें। The Bible scripture very clearly says the enemy of people of God, he wanted to invade them, capture them, and he wanted to tear them apart or divide them and want to put son of Tabeel over them to oppress their life. बाइबल मुकद्दस का हवाला बड़ा वाज़े है, वो बताता है खुदा के लोगों का दुश्मन उन पर चढ़ाई करना चाहता है, उनको तस्खीर करना चाहता है, उनमें रखना तकसीम पैदा करना चाहता है और ताबील को तख्त नशीन करना चाहता है। And he wanted to put son of Tabeel over you. और वो ताबील के बेटे को उनकर उनके ऊपर मसल्लत करना चाहता है। Tabeel meaning the Arabic meaning is useless. जो ताबील है ये नाम इसका अरामी जबान में मतलब है बेकार, किसी काम का नहीं। और good for nothing, जो किसी काम का ना हो। Now many people think in that way today that I am not good enough, I am not good for even singing a song, I'm not good even to be a follower of Jesus. बहुत से लोग आज भी ऐसे ही महसूस करते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मैं मसीह के लिए गीत नहीं गा सकता। और इसी तरह sometimes your parents out of their anger they have scolded you that you are good for nothing. बहुत दफा आपके वालदैन भी गुस्से में आपको झिड़क देते हैं ये कहते हुए कि तू तो किसी काम का नहीं है। When you hear or heard this, your heart was broken. You are in a terrible situation and you feel in that way that you are trapped by the enemy. And began in that trap, in that bondage. जब आप ऐसा सुनते हैं आपका दिल टूट जाता है, आप अपने आप को बड़ी परेशान कुन सूरत हाल से दो चार पाते हैं और दुश्मन आपको ऐसे फंदे में कैद करना चाहता है। The enemy is saying that let's invade, capture Judah. Judah means spiritually is talking about. The enemy saying, let me invade your life, which is invade Judah. Judah means spiritually, it talks about you. दुश्मन कहता है आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करें, और जब वो यहूदा की बात कर रहा है तो आज रूहानी तौर पर वो आपकी बाबत बात कर रहा है। He wanted to capture you, he wanted to tear you apart, your dreams, your vision. Your goal is destroys your future. वो आप पर चढ़ाई करना चाहता है, कैद करना चाहता है, आपके मकासद, आपके ख्वाबों को तकसीम करना चाहता है, तोड़ देना चाहता है। And then he wants to divide your joy, your peace. He robs everything and puts shame on you. And telling the people, even in your mind, say you are good for nothing. और वो आपको आपकी खुशी को छीनना चाहता है और वो आपको ये सोचने पर मजबूर करना चाहता है कि आप ये महसूस करें आप किसी काम के नहीं हैं। And his name, the enemy name is Tabeel. और जो दुश्मन का नाम है वो है ताबील। A
And God wanted to set you free from Tabeel. और खुदा आपको ताबील से आजाद करना चाहता है. Hallelujah. And this Tabeel is, you know, Jesus came to set the captives free from this Tabeel. और यीशु इसीलिए आए ताकि ताबील से कैदियों को आजाद करें. आए जोरदार तालियां बजाएं. In Isaiah chapter 61, very clearly said, Jesus came to set the captives free. Isaiah 61 में यीशु ने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया, मैं इसलिए आया हूँ ताकि कैदियों को रिहाई दे दूँ. Are you in the prison? Are you become a captive by the enemy? क्या आप किसी कैद में हैं? क्या आपको दुश्मन ने किसी तरह की कैद में बंद किया हुआ है? Are you struggling in your sin? क्या आप अपने गुनाह में, अपनी कमजोरी में कश्मकश का शिकार हैं? Do you feel that you are rejected? And do you feel that you are useless today? क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपको रद्द किया गया है? क्या आप महसूस करते हैं कि आज आप बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं? And Jesus said, "The Spirit of God is upon me to set the captives free." और यीशु ने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है ताकि मैं कैदियों को आजाद कर दूँ. Hallelujah. Today Jesus is setting you free right now. और आज एंड इस वक्त यीशु आपको आजाद कर रहा है. Hallelujah. Few years ago, there was a young man involved in a big gangsterism in Toronto, Canada. टोरंटो जो कनाडा का एक शहर है, वहां पर एक नौजवान शख्स 3 साल कबल एक बहुत बड़े जराइम पेशा ग्रोह का में शामिल हो गया. एंड ही गैंग लीडर एंड कॉट इन टू पुलिस केस आफ्टर केस आफ्टर केस. और वो एक उसका उस लीडर बन गया उस ग्रोह का और एक केस में वो शामिल फंस गया. एंड द पुलिस इज ऑलरेडी वांटेड टू डिपोर्ट हिम. और जो पुलिस थी वो उसको मुल्क बदर करना चाहती थी, पहले ही निकालना चाहती थी. एंड ही केम टू वन ऑफ माय मीटिंग. और वो मेरी एक मीटिंग में, इबादत में आया. ही वाज ब्रोकन इन हिज हार्ट. वो उसका दिल जो था वो टूट चुका था. He was felt rejected by the family. वो खानदान की तरफ से रद्द किया जाना महसूस करता था. He tried best to become a good person, but he, again and again he fall into the trap of drugs, alcohol and gangsterism. उसने अच्छा नेक बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार वो मंशियात में और शराब नोशी में पड़ जाता था. But that day, Jesus set him free. He was completely free from Tabeel. There's a demonic spirit came out of him, and his life was transformed. लेकिन उस दिन वो मुकम्मल तौर पे आजाद हो गया. यीशु ने उसको आजाद कर दिया, और वो बुरी रूह जो ताबील की सी है, वो उसके उसमें से निकल गई. हालेलुया! जोरदार तालियां बजाएं खुदाम के जलाल के लिए. Some of you feel like you are trapped by the sickness and disease. आप में से बाज ये महसूस करते हैं कि आप बीमारी से, कमजोरी से उसकी कैद में हैं. The medical is given up on you. और जो तिब्बी तमाम तर बातें हैं, मेडिकल की बातें हैं, वो अब आप पर असर नहीं करती हैं. You feel like you're dying today. आपको यूं लगता है कि आज के दिन ही आप मर जाएंगे. There was a lady that came with the cancer and 3+ cancer. She was dying, but in the name of Jesus, when we lay hand and pray for her, she is completely set free and healed from that cancer. और एक औरत थी, वो सरतान कैंसर के मर्ज का शिकार थी, आखिरी हद पे थी, लेकिन जब वो इबादत में आई, हमने उसके लिए दुआ की, यीशु ने उसको शिफा बख्श दी. हालेलुया! And she is completely healed, and now it's after 10 years she's still testifying how Jesus given a new life. Wo mukammal taur pe shifayab hai. Aaj 10 saal ke baad bhi wo iski gawahi de rahi hai ki Yesu ne usko azad kiya hai. Hallelujah.
And she went and told another lady who was same 3+ stage of cancer. और एक और औरत थी जिसकी तीसरी जो मरहला है कैंसर की स्टेज है उससे भी वो आगे पार कर चुकी थी. And she came for receive prayer. When I lay hand upon her in the name of Jesus, she also was free from that cancer, completely healed by Jesus. So वो भी दुआ करवाने के लिए सामने आई. जब मैंने उस पर हाथ रखा तो खुदावन यीशु मसीह ने उसे मुकम्मल तौर पर आजाद कर दिया. हालेलुया. And this miracle has taken place in Toronto, Canada. और ये मौजजात जो है ये टोरंटो में जो कनाडा का शहर है वहां पे ये पेश आए हैं. This is a medically certified proof testimony. और ये ऐसी गवाहियां हैं जिनके मेडिकल सबूत मौजूद हैं. And I want to encourage you tonight. आज रात मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि जो ताबील की रूह है. Are you in that bondage of sickness and disease? क्या आप बीमारी और कमजोरी की गुलामी में फंसे हुए हैं? Are you in the bondage of drugs and alcohol? क्या आप किसी तरह से मनमंशियात में या शराब नोशी में फंसे हुए हैं? Are you struggling in your life and you feel that you're good for nothing? क्या आप अपनी जिंदगी में जिद्दोजहद कर रहे हैं और यूं महसूस करते हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं? Tonight is your night. तो आज की रात आपकी रात है. हालेलुया. Jesus in the is among Jesus is walking in the midst of this convention right now. यीशु मसीह इस कन्वेंशन में इसके एन बीच में चल फिर रहे हैं. Though I am preaching through the Zoom, but I can feel the presence of God. That God is moving among you. अगरचे मैं ये इंटरनेट पे Zoom के वसीला से पैगाम सुना रहा हूं लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि खुदा की हजूरी आपके दरमियान मौजूद है. हालेलुया. And Jesus wants to set you free. और यीशु आपको आजाद करना चाहता है. Give your life to Jesus. अपनी जिंदगी यीशु को दे दीजिए. Accept Jesus as the Lord and Savior. यीशु को अपने खुदावन और नजात दहिंदा के तौर पे कबूल कर लें. And pray with me that Jesus touch me, heal me, or set me free. और मेरे पीछे मेरे साथ ये दुआ करें, यीशु मुझे छू ले, यीशु मुझे शिफा दे दे, यीशु मुझे नजात दे दे. Let's pray. आए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें. If you need to give your life to Jesus again, do that. अगर आपको अपनी जिंदगी दोबारा भी यीशु को देनी पड़ती है तो ऐसा कीजिए. And those of you need a healing touch or deliverance, Jesus, I'm going to pray that Jesus is going to touch you. और वो जिनको रहाई के लिए खुदावंद यीशु मसीह का टच चाहिए, उसके छुए जाने का तजर्बा चाहिए, आपके लिए भी हम दुआ करेंगे. Let's pray. आए हम दुआ करें. अपनी आंखों को बंद कीजिए और जिस जिसने दुआ के लिए खुदावंद के हजूर अपने सर झुकाए हैं आप जरूर दुआ करें. Lord, I thank you and I praise you for tonight. खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं और आज की रात के लिए तेरी स्तुति करता हूं. Those are Lord putting their faith in you right now. खुदावंद वो लोग जो अपने ईमान को इसी वक्त तुझ पर लगा रहे हैं. Those want to come out of their bondage. When they want to receive their healings or deliverance. वो जो अपने बंधनों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी शिफाएं हासिल करना चाहते हैं. And I pray in the name of Jesus. और खुदावंद मैं यीशु के नाम से ये दुआ करता हूं. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Every bondage be broken. हर तरह का बंधन इसी वक्त तोड़ दिया जाए. Every chain be broken right now. हर तरह की कैद तोड़ दी जाए. Lord, I pray for healings and deliverance. खुदावंद मैं शिफाओं के लिए रहाइयों के लिए दुआ करता हूं. Release your power on them. इन जिंदगी पर अपनी कुदरत को नाजिल कर दे. Be healed. शिफा पा जाओ. From every sickness and disease. हर तरह की बीमारी और कमजोरी से छूट जाओ.
And in the name of Jesus. और यीशु के नाम में. The Lord is telling me there's a lady have a kidney problem. खुदावंद मुझे बता रहा है यहाँ पर एक खातून है जिसको गुर्दे का मसला है. No kidney problem. गुर्दे का मसला है. And the Lord is healing her right now. और खुदा उसे अभी एन इसी वक्त शफा बख्श रहा है. In Jesus' name. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में. There's a young boy. You feel like you are good for nothing and you attempt to suicide. एक नौजवान लड़का यहाँ पर मौजूद है जो समझता है वो किसी काम का नहीं है और वो खुदकशी की कोशिश करना चाहता है. And the thoughts is coming again and again on him. और उसके ज़हन में बार-बार ये ख्यालात आ रहे हैं. Jesus is touching you right now. यीशु इस वक्त आपको छू रहे हैं. In Jesus name. यीशु के नाम में. You are free indeed. आप आजाद हो चुके हैं. You are free. आप मुकम्मल तौर पे यीशु के नाम में छूट गए हैं, आजाद हो गए हैं. There's another person on your there's a heart problem. एक और शख्स है जो यहां पर एक जानम मौजूद है, उसको दिल का मसला है. And God is touching you right now. खुदा आपको एम इसी वक्त छू रहा है. In Jesus name. यीशु के नाम में. Somebody there, you met an accident and because of that accident you got excluding pain, you're not completely healed. कोई ऐसा है जिसका हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से इंतहाई तकलीफ दे दर्द का सामना कर रहा है. But today, tonight, Jesus is touching you. लेकिन आज के रोज, आज की रात यीशु तुझे छू रहा है. Be healed. शिफा पा जाओ. Every one of you. आप में से हर एक. Jesus touching you right now. खुदावंद यीशु आपको छू रहा है. In Jesus' name I pray. मैं यीशु मसीह के नाम में यह दुआ मांगता हूं. Amen. सब कहें जोर से आमीन. Give the Lord a mighty hand. आए जोरदार तालियां बजाएं और खुदा के नाम को जलाल दे. हालेलुया. हालेलुया. Thank you so much. God bless you. बहुत शुक्रिया. खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे. आमीन.